औसत का व्यवहार में उपयोग। क्या आप बता सकते हैं कि लड़कियों को सामान्यतः घर में खेलने का कितना समय मिलता है? हम जानते हैं कि रोज खेलने का समय निश्चित नहीं होता। किसी दिन कोई घंटों तक खेलता है और किसी दिन बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि एक दिन के आधार पर आप नहीं बता सकते कि लड़कियां प्रतिदिन कितने समय तक खेलती हैं। अगर आप प्रत्येक लड़की के हर रोज़ खेलने के समय के बारे में आंकड़े एकत्रित करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आंकड़े हो जाएंगे। इन्हें व्यवस्थित करना आसान नहीं होगा। इस समस्या को हल करने के लिए हम एक महीने के आंकड़े लेकर उनके प्रतिदिन खेलने का औसत समय पता कर सकते हैं। तालिका 3 देखें। यहाँ हमें 50 लड़कियों के खेलने का समय दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि अधिकतर लड़कियाँ कितने समय तक खेलती हैं? तालिका 3 में आप देख सकते हैं कि अधिकतर लड़कियों को खेलने के लिए औसतन 2 घंटे से कम का समय मिलता है। सबसे ज़्यादा यानी 12 लड़कियां औसतन 2 घंटे खेलती हैं, किंतु सभी लड़कियों के प्रतिदिन खेलने का औसत समय 2 घंटे नहीं है। यहाँ अंकगणितीय औसत निकालने के लिए सभी 50 लड़कियों द्वारा औसतन खेलने में प्रतिदिन बिताए जाने वाले कुल घंटे पता करने होंगे। तालिका 3, प्रतिदिन खेलने का औसत समय घंटे में XI, लड़कियों की संख्या FI, 50 लड़कियों के खेलने का कुल समय XI × FI, लड़कियों की कुल संख्या summation FI = 50, 50 लड़कियों के खेलने का कुल समय summation FI XI = 75, औसत बराबर summation FI XI / summation FI, औसत बराबर 75/50 घंटे बराबर 1 घंटा 30 मिनट। यदि प्रेक्षणों X1, X2, X3 से लेकर XN की बारंबारताएं क्रमशः F1, F2, F3 से लेकर FN हो, तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण X1 F1 बार आता है, प्रेक्षण X2 F2 बार आता है, इत्यादि। जैसे इस उदाहरण में प्रतिदिन औसतन 0 घंटा खेलने वाली 4 लड़कियां हैं और औसतन आधा घंटा खेलने वाली 6 लड़कियां हैं, तो X1 = 0 और F1 = 4 और X2 = 1/2 के लिए F2 = 6 होगा। अब सभी प्रेक्षणों और बारंबारता के गुणनफल FX के मानों का योग बराबर F1 X1 + F2 X2 + इसी प्रकार आगे + FN XN है, तथा प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर F1 + F2 + F3 से लेकर -FN है। माध्य निकालने के लिए हम इस योग को बारंबारता के योग से भाग देंगे। इस प्रकार माध्य हुआ माध्य यानी कि अंकगणितीय औसत बराबर summation FI XI / summation FI, जहां I का मान 1 से N तक होगा। जोड़ को संक्षिप्त में एक यूनानी अक्षर सिग्मा से व्यक्त करते हैं। यह जोड़ को दर्शाता है, इसलिए बारंबारता के जोड़ को summation FI और प्रेक्षणों एवं बारंबारता के गुणनफल के योग को summation FI XI से दर्शाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 घंटा 30 मिनट का औसत समय प्रत्येक लड़की को हर रोज खेलने के लिए मिलता है। अब बाकी आंकड़ों के साथ इस औसत की तुलना करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी लड़कियां औसत घंटों से अधिक घंटे खेलती हैं और कितनी लड़कियां कम? आप देख सकते हैं कि औसत से कम समय खेलने वाली लड़कियों की संख्या 27 है तथा औसत से ज़्यादा खेलने वाली 23 है। इस प्रकार जब हम बड़े पैमाने पर आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, तब उन्हें व्यवस्थित करने में औसत हमारी मदद करता है। जैसे उपरोक्त उदाहरणों में लड़कियों के खेलने का औसत समय या दौड़ने की औसत गति करके देखें। पहला, पिछले उदाहरण में प्रस्तुत कक्षा के 50 छात्रों की ऊंचाई का औसत ज्ञात कीजिए, अपनी ऊंचाई के साथ उसकी तुलना कीजिए। दूसरा, तालिका 2 में प्रस्तुत कक्षा के 50 छात्रों की दौड़ने की गति का औसत निकालिए। इस औसत से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उपरोक्त उदाहरणों में आपने दिए गए प्रेक्षणों का औसत निकालना सीखा, परंतु यदि औसत पहले से दिया गया हो
तो क्या अज्ञात प्रेक्षणों को ज्ञात किया जा सकता है? इस दिए गए उदाहरण को देखिए।